ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, रेगुलर मैच डे ब्रेकडाउन डेफिनेटली TFSD पे स्टार्ट हो चुके हैं। यस, मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ। लास्ट गेम मैंने कवर किया था एस्टन विला वर्सेस बायर्न का, चैंपियंस लीग का गेम था। आई होप आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा। बट आज इस वीडियो में मुझे बात करना है जो कल मैचेस हुए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच जो भाई साहब एपिक क्रेजी था भाई। पोर्टो भाई, तुमको पता है कि जब से एरिक टेन हाग मैनेजर बने हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, सो नो टीम हैज कंसीडेड मोर देन 3 गोल्स और मोर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब 24 बार उन्होंने 3 या 3 से ज्यादा गोल खाया है। एंड कोई भी टीम जब से यूनाइटेड पे मैनेजर बना है एरिक टेन हाग, कोई भी टीम उससे ज्यादा गोल्स कंसीड नहीं किए उतने नंबर ऑफ टाइम्स। तो भाई एरिक टेन हाग के अगेंस्ट जो ये नंबर्स है ना, वो बहुत ज्यादा है। मतलब एवरी नेगेटिव स्टार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वो उन्होंने एरिक टेन हाग के अंडर कवर कर रखा है। बट कल का भी जो गेम था ना, अगेन तुम देखोगे 2-0 की लीड लेने के बाद एक बेहतरीन परफॉर्मेंस यार। इनिशियली 2 गोल उन्होंने मार लिए थे। आप लाइनअप अगर देखोगे तो हु दे स्टार्टेड, होलैंडर स्टार्ट किए थे फर्स्ट टाइम इतने लंबे समय में। ब्रूनो फर्नांडिस उनके पीछे खेल रहे हैं, मार्कस राशफोर्ड लेफ्ट विंग पे, अमर डियालो अगेन स्टार्टिंग ऑन द राइट विंग, और मिडफील्ड में नो कोबी माइनू, एरिक्सन और कैसेमेरो की मिडफील्ड थी, व्हिच इन माय ओपिनियन वाजंट वेरी गुड, वेरी स्मूथ, बहुत अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाई थी। बट स्टिल दे डिड मैनेज टू स्कोर अर्ली ऑन गोल्स बाय मार्कस राशफोर्ड की फिनिश देखी। एंड टू बी ऑनेस्ट, राशफोर्ड जब अपने गेम में होता है ना, व्हेन ही गोज ऑन एंड हैज दैट काइंड ऑफ रन्स इन, तो भाई देयर इज नो वे टू स्टॉप हिम। एंड कल एक और गोल बंदे ने निकाल लिया था बिकॉज ही हैड अ वेरी ग्रेट ड्रिबल, बट भाई उसको स्पेस ओपन अप नहीं मिल पाई। वो जो चांस होती है ना जहां पे वो अपने फुट को बस रिलीज करता है, वी ऑफन सी लियो मेसी मेक दैट काइंड ऑफ रन। तो मैं ऑब्वियसली कंपेयर नहीं कर रहा पे, बट मैं बता रहा हूँ उस तरीके के गोल डेफिनेटली हमने देखे हैं काफी सारे प्लेयर्स को मारते हुए, जहां पे वो एक प्लेयर को बीट करते हैं, दूसरे को बीट करते हैं, बट दे वेट फॉर दैट ओपनिंग एंड वहां पे आपको वो शॉट रिलीज करना होता है। तो देयर वाज अनदर अपॉर्चुनिटी जहां पे राशफोर्ड कुड हैव स्कोर्ड अ गोल। बट कल का गेम मुझे राशफोर्ड का बेसिकली अच्छा लगा। यूजुअली देख, मैं बताता हूं, मैं काफी ज्यादा क्रिटिकल होता हूं व्हेन इट कम्स टू मार्कस राशफोर्ड बिकॉज उसका आउटपुट मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता हूं। बट स्टिल कल के मैच में आई डिड फील राशफोर्ड डिड वेल। और हां ठीक है, उसको हाफ टाइम पे हटा लिया गया, ये बात भी है यहां पे। बट देन जिस हिसाब से आप देखोगे ना कि पोर्टो गेम में वापस आई, मतलब यार जो गोल्स खाए ना डिएगो कोस्टा, फेल्ड है कि यार वो सेव कर सकता था यार। ओनाना ने कुछ बहुत अच्छे रिएक्शनरी सेव किए, बट वो फॉलो अप नहीं सेव कर पाया जहां पे पेपे ने गोल मारा था। आई मीन लाइक बोथ द कीपर्स वर ऑन इट, बट आई थिंक यार आई एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम डिएगो कोस्टा। वो जो अपने नियर पोल पे जिस हिसाब से वो बंदा बीट हो रहा था, इट इजंट लाइक डिएगो कोस्टा। वो और अच्छा स्ट्रांग है यार, इवन इन द नियर पोस्ट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। बट कल जैसे उन्होंने गोल खाया, सिमिलर गोल ऐसे होलैंड का भी था। मतलब एक बहुत प्यारी बॉल थी मार्कस राशफोर्ड की इन बिहाइंड द डिफेंस, और बाय होलैंड बीइंग अ नंबर 9 उसके पास वो इंस्टिंक्ट है कि जस्ट रिलीज दैट शॉट। तो उसने बहुत शॉट रिलीज किया और अगेन नियर पोल पे भाई वो गोल खा गया डिएगो कोस्टा। तो भाई प्रॉब्लम क्या है ना यूनाइटेड की, 2-0 की लीड लेने के बाद देन गेम मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में हमने बहुत बार बात किया है कि भाई गेम मैनेजमेंट कैसे देखेगा एरिक टेन हाग। एंड ऐसे नहीं कि ही हैजंट गॉट प्लेयर्स एट हिज डिस्पोजल, ठीक है प्लेयर्स है, मे बी वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे, मे बी उतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, मे बी ऑन द ट्वाइलाइट ऑफ द करियर होंगे एरिक्सन और कैसेमेरो को। बट एक आप जब लाइवली पोर्टो की टीम के अगेंस्ट आप खेले होते ना मेरे भाई, तो यू नीड टू गो ऑन एंड प्ले योर बेस्ट गेम। 2-0 की लीड के बाद इस तरीके से लीड को थ्रो अवे करना, इतना कि भाई पोर्टो गेम में आ जाओ। और आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस गाय सामू ओमोरोडियन, इसके बारे में तुम्हें बताया था, एथलेटिको मैड्रिड का ये स्ट्राइकर था, चेल्सी ज्वाइन करने वाला था। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट सामू डिड वॉज नॉट ज्वाइन चेल्सी। ऐसे नहीं कि चेल्सी खराब खेल रही है, द थिंग इज कि बाई प्लेइंग टाइम। अब भाई चेल्सी पे मार्क घुयू भी तो गया है, कितने मैचेस वो स्टार्ट कर पाता है। सामू ओमोरोडियन भी यंग है भाई बंदा, वो ही डिड नॉट गो एंड ज्वाइन चेल्सी, वो डील ब्रेक हो गई। अल्टीमेटली ही वेंट ऑन एंड ज्वाइन पोर्टो। एंड भाई ये बंदा बीस्ट है, बीस्ट है। कल अगर तुमने इस बंदे को खेलते देखा भाई, लिटरली इसने फिजिकली हरास किया है डेलिट को, जो दोनों ने दोनों गोल मारे ना भाई, इनक्रेडिबल गोल थे यार वो। फॉर अ स्ट्राइकर दैट यंग टू नो हाउ टू प्रेजेंट हिज फुट एंड हिज हेड, भाई वो बंदे के मजा आ गया। एंड भाई ये बंदे को तुम देखोगे यार, तुम देखोगे इसके बारे में, तुम सुनोगे, बिकॉज ही येस ही डिड स्कोर 2 गोल्स कल के मैच में। बट आई थिंक पिछले 5-6 मैचेस से बंदा लगातार गोल स्कोर करते आ रहा है, दैट टेल्स यू समथिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस गाय। एंड भाई पोर्टो इज नॉट अ पुश ओवर, एंड खासकर पोर्टो के होम पे ब्रो, कम ऑन यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड एरिक टेन हाग, आई डिड एक्सपेक्ट बेटर गेम मैनेजमेंट। मतलब भाई तू मैनेजर है, तेरे को पता होना चाहिए हॉस्टाइल ग्राउंड है भाई पोर्टो का। 2-0 की लीड इज नेवर एवर सेव, एंड कहते ना लोग कि 2-0 की लीड सबसे ज्यादा वर्स्ट होती है, भाई साबित हो गया। 3-2 कर दिया था यहां पे पोर्टो ने इनके अगेंस्ट, बट देन इट वाज अबाउट दैट लास्ट मिनट गोल फ्रॉम मंगू। मतलब मंगू के अगेंस्ट डिसरिस्पेक्ट होती ना बहुत ज्यादा, बट हैरी मैग्वायर हैज सेव्ड एरिक टेन हाग एसेस मोर देन आई हैव फिंगर्स ऑन माय हैंड्स।
तो भाई दैट्स द सीन भाई, मंगवार के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म था आज से दो साल पहले, बट तुम इवन लास्ट ईयर देखो मंगवार का, इट वॉज वेरी गुड एंड अभी भी ही इज नॉट स्टार्टिंग बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास डिलिट एंड लिसांड्रो मार्टिनेज है, दे आर डूइंग देयर जॉब बट नॉट सो नाइसली एंड भाई अगेन आपको मंगू को कॉल करना पड़ा एंड भाई ही वॉज कॉल्ड कि भाई 2-2 का ड्रॉ है, एटलीस्ट एक पॉइंट सैलवेज कर ले वहां से, बट भाई 3-2 ऑलरेडी हो रखा था। उसके बाद भाई ही स्टेप्ड अप, ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट हेडर और भाई ब्रूनो फर्नांडिस को अगेन एक रेड कार्ड मिला। हालांकि जो पिछला उनको रेड कार्ड मिला था वो उसको अपील की गई और वो रेड कार्ड हट गया, स्पर्स वाला रेड कार्ड ब्रूनो का हट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, ही वुड नॉट बी बैंड इन द अपकमिंग गेम्स। नाउ द थिंग इज कि यार ये जो आज के मैच में अगेन इसने रेड कार्ड ले लिया, अब यहां पे फिर बैन लगेगा बाकी के चैंपियंस लीग के मैचेस में, अगला वाला मैच नहीं खेलेगा बंदा। देखो स्ट्रेट रेड कार्ड नहीं था, फुट हाई था, आई मीन देख इफ यू थिंक अबाउट इट कि क्या ब्रूनो फर्नांडिस का रेड कार्ड जस्टिफाइड है, मतलब पेनल्टी बॉक्स में अगर बॉल मेरी तरफ आती है क्या मैं बॉल को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गलत है सही, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज तू भी बताओ मतलब कम ऑन, अ प्लेयर गोज फॉर द बॉल इन द पेनल्टी बॉक्स, मतलब वुड ही लीव दैट, पैर नहीं लगाएगा वो बंदा, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा मुझे कि यहाँ पे क्या अटेम्प्ट को येलो कार्ड देना जस्टिफाइड था, बाहर कहीं होता पेनल्टी बॉक्स के तो आई वुड हैव गिवन दैट एज अ फाउल, येलो कार्ड रेड कार्ड कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बात आती है ना पेनल्टी बॉक्स की तो वहाँ पे बंदा कैसे भी कुछ भी करके ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद द बॉल, अनु किया यहाँ पे थोड़ा सा हाई बूट ज़्यादा ही था और उसके हेड के पास था, बट एज द दैट अदर गाय जो डिफेंडर था पोर्टो का ही वेंट विथ हिज हेड टू क्लियर द बॉल, सो डिड ब्रूनो फर्नांडिस गो फॉर द बॉल विथ हिज फुट, तो मतलब इक्वली एक समझो ऐसा 50-50 काइंड ऑफ एक सिचुएशन थी जहाँ पे दोनों बंदे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी जा रहे थे बॉल के लिए, तो मतलब पीपल वुड आर्ग्यू अबाउट इट, सम वुड से कि भाई प्रीमियर लीग या फिर यार फुटबॉल हैज गॉन सॉफ्ट, बट आई हैव सीन सच अटेम्प्ट्स बीन गिवन एज रेड कार्ड बॉयज, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं करूंगा, बट दैट मेक्स मी थिंक यू नो वॉट कि पेनल्टी बॉक्स है बंदा तो जाएगा जाएगा बॉल के लिए, बट एनीवेज भाई रेड कार्ड था भाई, हम ज्यादा नहीं जानते भाई रेफरी से वीएआर से, बट वी कैन स्टिल आस्क क्वेश्चन, सो स्टिल इट वॉज गुड टू सी द प्लेयर्स कमिंग ऑफ द बेंच, भाई मार्कस राशफोर्ड को सब किया गया हाफ टाइम पे, गर्नाचो आते हैं, अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या इंजरी की वजह से था या टैक्टिकल था, आई थिंक इट वुड हैव बीन बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज राशफोर्ड अच्छा गेम खेला था, इससे पहले तक उसने एक असिस्ट भी दिया था, एक गोल भी मारा था, बट गर्नाचो आते पिच पे ना भाई स्पार्क हमेशा आता है भाई, गर्नाचो इज दैट काइंड ऑफ अ लैड, और एक बहुत ही प्यारा अटेम्प्ट किया बंदे ने जिसको भाई कोस्टा ने ले ओवर कर दिया ऊपर, बिकॉज भाई ये बंदा हैंडफुल है, भाई ये बंदा हैंडफुल है, फिर जर्गजी भी आते हैं, जर्गजी को भी मौका मिला था, बट आई थिंक भाई थोड़ा सा ज्यादा रह गया यहाँ पे यूनाइटेड के लिए, बट यार अगेन आई वांट टू क्वेश्चन, आर यू सैटिस्फाइड विद द डिफेंसिव जॉब बिटवीन डिलिट एंड लिसांड्रो मार्टिनेज, क्या आप खुश हो, बिकॉज एवरी अदर टीम कम्स एंड हरास देम, मतलब तो यू कैन से कि भाई जी भाई ठीक है टाइम लगेगा इनको सेटल इन होने में एक्सेट्रा, बट यार बेसिक डिफेंडिंग का जॉब तो गलत मत करो, 1v1s में उमर डियोन ने आपको लिटरली हरास करके गोल मारा है, आई मीन कम ऑन यू वुड टॉक अबाउट इट, मतलब डिलिट वॉजेंट इन दिस बेस्ट ऑफ हिज फुटबॉलिंग प्राइम आप कह सकते हो पिछले कुछ सालों में, बट आई होप कि भाई यूनाइटेड पे वो बंदा अपने आप को भाई फाइंड करे, बट अभी तक हो नहीं पा रहा है भाई। लीचा अगेन नॉट एट द बेस्ट लेवल्स, पीपल वुड क्वेश्चन, और भाई पता है ब्लेम कहाँ जाएगा, ओनाना के ऊपर ब्लेम जाएगा अगेन, बट ही डिड मेक सम गुड स्टॉप्स आज के मैच में, सो भाई ठीक है 3-3 रहा आज का मैच, और तुम यूनाइटेड को देखोगे यूरोपा लीग के टेबल में तो वो कहाँ है, वो 21st पे है, दोनों मैचेस में ड्रॉ उन्होंने लिया है, तो भाई दैट वॉज दैट। बाकी जो अगला गेम था भाई वो था तुम्हारा स्पर्स का गेम अगेंस्ट फ्रैंकावारोस, और भाई फ्रैंकावारोस लोग नहीं जानते दिस इज अ टीम दैट यूज्ड टू प्ले इन द चैंपियंस लीग एज वेल, अभी वो यूरोपा लीग में खेल रही है, और आज पोस्टेकोग्लू ने क्या बोला कि भाई एनी गेम इन यूरोप इज अ टफ गेम, एंड यू वुड नेचुरली एक्सपेक्ट कि भाई आज पोस्टेकोग्लू की स्पर्स प्रीमियर लीग की टीम भाई ऐसे बीट कर देंगे मजाक मजाक में यहां पे फ्रैंकावारोस को, बट ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था, बिकॉज इस मैच को रोटेट किया था प्लेयर्स को रोटेट किया था पोस्टेकोग्लू, उन्होंने खिलाया था विल लैंकशियर को, भाई 19 साल का इनका जो स्ट्राइकर है मिकी मूर 17 ईयर ओल्ड विंगर खेल रहे थे इस टीम में, अगेन लूकस बर्गवाल को भी स्टार्ट मिली थी, और आर्ची ग्रे खेले थे, मैंने आर्ची ग्रे के बारे में काफी बातें की आप लोगों से, आई टोल्ड यू कि कैसे ये बंदा है सेंटर बैक राइट बैक मिडफील्डर अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, जैसे कि पेप गॉर्डियोला बात करते हैं ना उस रिको लुइस के बारे में कि ही इज अ फुटबॉलर ही कैन प्ले एनीवेयर, भाई आर्ची ग्रे के बारे में बात नहीं होती है, अगर ये बंदा पेप के अंडर खेल रहा होता ना तो हम इसके वर्सिटिलिटी के बारे में बात करते हैं, बट आई वुड डू दैट ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ पे TFHD पे हो तुमको भी पता होना चाहिए, आर्ची ग्रे को खेलते देखो बंदा बहुत ही प्यारा प्लेयर है काफी टेक्निकल है, बट देन इनफ अबाउट दैट, बट कल का मैच यहाँ पे भाई स्पर्स ने डेफिनेटली काफी अच्छा गेम खेला, यहाँ पे दे डिड स्कोर अ गोल थ्रू पपिन मटरसाल, लुकस बर्गवाल का भी असिस्ट था उस मैच में, बट देन इसके बाद ब्रेनन जॉनसन भाई 5-5 ब्रेनन जॉनसन यार बहुत ही खतरनाक फॉर्म में ब्रेनन जॉनसन, खासकर बंदे ने जब से अपना इंस्टाग्राम क्लोज किया भाई, टॉक्सिसिटी होती है ना कभी कभार उसको आपको ऐसे शट डाउन करना होता है, आपको अपना माइंड क्लियर करना होता है, बिकॉज बंदे के अगेंस्ट काफी ज्यादा टॉक्सिक कमेंट्स आए थे वो खासकर नॉर्थ लंडन डर्बी के बाद कि भाई बंदा परफॉर्म नहीं करता, बट तुम उसके बाद देखो बंदे को उसने अपना इंस्टाग्राम क्लोज किया बिकॉज ऑफ द हेट दैट वॉज गिवन टू हिम, एंड बंदा ही हैज नॉट लुक बैक,
भाई यही बात होती है यार, यू नो यू गॉट टू ट्रस्ट योर प्लेयर्स एंड बंदा टैलेंटेड है। ब्रेनन जॉनसन को मैं देखता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइम मैं इवन उसको कुलुसेवस्की के ऊपर स्टार्ट करते देखूंगा, बिकॉज जो फॉर्म में वो बंदा ही डिजर्व्स टू स्टार्ट इन दिस मैचेस। तो कल के मैच में भी अगेन ब्रेनन जॉनसन ने बहुत ही बेहतरीन गोल मारा। बिस्सुमा, बर्गवाल और सार खेल रहे थे यहाँ पे, आप देख सकते हो, और सब्स्टिट्यूशन होके ब्रेनन जॉनसन को लाया गया टीमो वर्नर के अगेंस्ट। और भाई टीमो वर्नर भाई टीमो वर्नर भाई तू कब फिनिशिंग सीखेगा ब्रो? 1v1 में कीपर के अगेंस्ट ओपन गोल, ऑल ही हैड टू डू वाज राउंड द कीपर और एल्स चिप हिम, डिंक हिम, कर्व हिम, फिनेस समथिंग, कुड हैव डन एनीथिंग भाई। बट यार टीमो वर्नर लेट डाउन किया यार, वो तो बच गए यहाँ पे। फेरेंका वोरोस ने लेटर ऑन वार्गा के थ्रू एक गोल मार दिया, अर्ली ऑन उन्होंने गोल मार दिया था, बट प्रॉब्लम पता है क्या थी? डिफेंसिव कंसर्न्स अभी भी हैं टीम में। आई कैन एब्सोल्युटली गो ऑन टू से कि भाई ये मैच बहुत डिफिकल्ट होता पोस्टेकोग्लू के लिए अगर उन्होंने पहला गोल खा लिया होता, जो कि ऑफसाइड दे दिया गया वार्गा का गोल था। भाई ये बहुत लंबी नाइट हो जाती स्पर्स के लिए, बिकॉज डिफेंसिवली इन ट्रांजिशन दे स्टिल लुक्ड प्रीटी पुअर टू मी, इवन दो दे हैड क्रिश्चियन रोमेरो, पेड्रो पोरो एंड बेन डेविस इन देयर फ्लैंक्स, बट भाई विकारियो मैन सुपर ह्यूमन बंदा, बहुत ही अनबिलीवेबल सेव्स किया। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम देखना एक सेव उसने किया था, डाइविंग सेव किया था और बहुत ही स्टुपेंडस सेव था मेरे भाई। एक तो रिएक्शनरी सेव था, उसको भी काउंट कर लो। बट यार तुम देखना ये बंदा ना वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर बन रहा है अभी स्लोली प्रीमियर लीग में। लास्ट ईयर बहुत टॉप था बंदे का, इस साल भी ही हैज नॉट लुक बैक। तो भाई विकारियो पे नजर रखना। तो स्पर्स चलो ठीक है, स्टिल दे मैनेज टू विन दिस गेम नो प्रॉब्लम। और स्पर्स तुम देखोगे यूरोपा लीग के टेबल पे थर्ड है भाई, लाजियो फर्स्ट पे है, लियोन सेकंड पे है। लाजियो ने भी अपना गेम कल जीता भाई, टट्टी कास्तेलानोस ने भी भाई गोल मारा नीस के अगेंस्ट, 4-1 की विन थी इनकी लाजियो की। और भाई अच्छा गेम पेड्रो ने भी गोल मारा कल के मैच में। और उधर दूसरे साइड पे आप देखोगे चेल्सी कॉन्फ्रेंस लीग में। बॉयज आई हैड टू टॉक अबाउट चेल्सी, इतने दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं चेल्सी के बारे में बात नहीं कर पाया, बट टू बी रियली ऑनेस्ट ना हमें बैठ के ढंग से चेल्सी के बारे में बात करना है, व्हाट दे आर डूइंग। एंड आई रिमेंबर दिस कन्वर्सेशन आई वाज हैविंग विद शामिक भाई, एंड आई वाज सेइंग कि भाई पता है क्या, चेल्सी के ऊपर काफी ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है, बट यू नो व्हाट, इफ दिस टीम स्टार्ट्स टू क्लिक, कि हम देख रहे हैं 40-50 प्लेयर्स है टीम में, बट जैसे कि एंजो मरिस्का ने कहा कि भाई डोंट वरी अबाउट दैट, मैं 22 प्लेयर्स के साथ ही वर्क कर रहा हूँ और बाकी के प्लेयर्स रिजर्व हैं, दे विल कम इन एंड आउट, बट आई एम वर्किंग स्पेसिफिकली विद दीज 22-24 प्लेयर्स। तो उनके साथ वो बहुत सही काम कर रहा है, एंड प्लस ही इज मेकिंग श्योर कि वो बंदा रोटेट करे। तो भाई मडवाके नहीं है तो आपके पास कोल पामर है, हराम को और कोल पामर नहीं है तो आपके पास वो मुद्रिक निकल के आ जाता है, यो फिलिक्स और पेड्रो नेटो आप बैठा रखे हो बेंच पे, इसके बाद अंकुकू आपके पास है, आपका निकोलस जैक्सन आपके पास है, तो भाई दे हैव गॉट द प्लेयर्स दैट दे कैन रोटेट इन एनी गेम्स वेर एवर दे रिक्वायर। तो आप देखोगे इस तरीके का वो डेप्थ और बैलेंस का इस्तेमाल करके वो टीम्स को बढ़िया डिफीट कर रहे हैं यार, और अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। लाइक आई सेड, मैं बहुत बड़ा फैन था एंजो मरिस्का के प्लेइंग स्टाइल का, एंड आई टोल्ड यू बॉयज कि भाई चेल्सी पे विद द प्लेयर्स ही इज फाइंडिंग, एंड भाई ड्यूसबरी हॉल को क्यों लाया, पागल थोड़े वर्ड की ड्यूसबरी हॉल को वो लेके आएगा, उसके साथ उसके अच्छे कनेक्शंस थे, एंड जिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल को वो खिलाना चाहता है चेल्सी पे, ही फील्स लाइक कि ड्यूसबरी हॉल काफी अच्छे तरीके से अकस्टम्ड होगा उस फिलॉसफी पे। तो कल के मैच में भी आप देखो जिस हिसाब से गोल उन्होंने मारा है भाई, आप देखोगे रेनाटो वेगा, पहले तो भाई रेनाटो वेगा भाई डीएम खेलेगा, सेंटर बैक खेलेगा, लेफ्ट बैक खेलेगा, अगेन कल के मैच में लेफ्ट बैक खेला था बंदा, एंड इट स्कोर अ ग्रेट गोल। मुद्रिक का असिस्ट था, मुद्रिक के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म आते हैं, बट बंदे ने फाइनली कल भाई अगेन असिस्ट दिया और भाई रेनाटो वेगा का गोल आया। इसके बाद आप देखोगे पेड्रो नेटो ने गोल मारा, और भाई इसमें ना दिसासी का पास के बारे में आई हैव टू टॉक भाई, जो उसने एक अनबिलीवेबली ग्रेट पास था भाई दिसासी का, कर्विंग पास आउट ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, पेड्रो नेटो फाइनली प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड। पेड्रो नेटो लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, ही इज मच मोर कंफर्टेबल ऑन द राइट हैंड साइड, हमने देखा था स्टार्टिंग में वो बंदा लेफ्ट विंग पे खेला था, एंड ही वॉज बींग लेफ्ट रिडंडेंट फॉर मेजोरिटी पार्ट ऑफ द गेम, बट जब वो राइट साइड पे खेलता है ऑन हिज नेचुरल साइड, जब अपने नेचुरल फुट को इस्तेमाल कर पाता है, जब वो कट इन कर पाता है, वो सारी चीजें हो पाती है ना, तो वहां से वो डेंजर प्रोवाइड करता है। नेटो अच्छा प्लेयर है यार, इफ ही स्टेज फिट एंड एवरीथिंग भाई बहुत टॉप प्लेयर है। और दिसासी का पास नेटो ने कंट्रोल किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था, बट ही बरीड इट नियर पोल, बहुत ही प्यारा। अनकुकू का भी गोल बहुत अच्छा इंस्टिंक्टिव फिनिश थी, बॉल भाई पास हुई उसके अक्रॉस द गोल आती है, अच्छा एक इंस्टिंक्टिव फिनिश किया, एंड देन लेटर ऑन आपने किरण ड्यूसबरी हॉल को भी सिमिलर गोल मारते देखा। तो भाई चेल्सी ने कंफर्टेबली यहां पे गेंक को हराया, अच्छी विन थी उनके लिए, एंड दे आर डूइंग वेल यार। निकल के मैच में भी देखोगे 70% पोजीशन उन्होंने रख रखा था, 20 शॉट्स उन्होंने लिए हैं, ठीक है भाई फाइन यार बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भाई कल एक और मैच हुआ आईएसएल के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं भाई, ओडिशा और केरला का मैच भाई, यहां पे केरला ने 2-0 की लीड ले रखी थी, नोवा साधुई ने गोल मारा और बंदे ने असिस्ट भी दिया, 2-0 की लीड लेने के बाद भाई कमबैक हुआ ओडिशा का, ठीक है। तो पहले डिएगो मोरिसियो ने गोल मारा, फिर एक और ओन गोल भी पड़ा, तो मतलब 2-2 का ड्रॉ, बहुत ही एक्शन पैक्ड ये गेम था आईएसएल का। अब मैं देख पा रहा हूं मैच यहां पे, मैं वन फुटबॉल एंड ऑल पे ट्राई कर रहा था थोड़ा देर देखना, तो मैं फर्स्ट हाफ देखा थोड़ा सा, बट ये बहुत सही मैच था यहां पे, दिस टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ आईएसएल एज वेल। तो भाई देखते रहना भाई आईएसएल भी, आप लोग मिस मत करना, ठीक है। इसके अलावा अब देखोगे दूसरा जो मैच था जिसके बारे में मुझे एंड में बात करना है, दैट वाज बाय लियो मेसी भाई।
कैसे कैसे मिस कर दे यार, हम लियो मेसी के बारे में ना बात करें, कैसे कैसे मिस हो सकता है। नहीं, लियोनेल मेसी ने 46th टाइटल अपनी जीती है, एंड आई नो देयर हैव बीन कन्वर्सेशंस अबाउट, काफी मैंने ऐसे रील्स देखी है कि हु हैज डन बेटर आउटसाइड यूरोप, इट हैज इट बीन क्रिस्टियानो, हैज इट बीन लियो मेसी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अचीवमेंट मैग्निफिसेंट है, ग्लोबल लेवल पे है कि किस हिसाब से बंदे ने पूरा रंग रूप नक्शा सऊदी प्रो लीग का चेंज कर दिया। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टा रैंकिंग अगर आप देखोगे तो अभी भी MLS की रैंकिंग ऊपर आती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेक्सिकन प्लेयर्स, USA के प्लेयर्स उधर वहाँ पे खेलते हैं। तो आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग स्टिल MLS ऊपर होगी, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टॉप टीम्स एंड द लोअर टीम्स इज स्टिल नॉट दैट मच, बट ये डिफरेंस आपको सऊदी प्रो लीग में बहुत ज्यादा मिल जाता है। मतलब जो टॉप अप की जो टीम्स हैं, जो बैग्ड हैं बाय द फंड्स, उनको देखोगे और बाकी टीम को देखो ना, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख जाता है। इस वजह से उनकी लीग की रैंकिंग अभी उतनी अच्छी हो नहीं पाई है, ऑप्टा रैंकिंग में ऊपर नहीं आता, बट स्टिल वो जो इम्पैक्ट अलोन क्रिस्टियानो ने क्रिएट किया ना, इट हैज बीन अ लॉट। एंड बाय ऑब्वियसली ही हैज वन टाइटल्स ओवर देयर एज वेल, रिकॉर्ड ब्रेक किया है बंदा, ही हैज स्कोर्ड व्हाट लाइक मोर देन 50-70 गोल्स पहुंच चुका है भाई उसका, मैं तो स्टार्ट भी भूल गया भाई यहाँ पे। ऑब्वियसली क्रिस्टियानो ने पिछले मैचेस में भी गोल स्कोर किया था, 904 समथिंग उसका काउंट चल रहा है अभी यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड मतलब वो बंदा कर ही रहा है। एक साइड पे यहाँ पे लियो मेसी भी अ टीम जो कि एक न्यूली फॉर्म टीम है अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज बिग परफॉर्मर्स ऑफ MLS ऑलरेडी, तो वहाँ पे लास्ट टाइम कहाँ थे वो, बॉटम फिनिश कर रहे थे, वो सेकंड बॉटम फिनिश कर रहे थे। तुम देखो इस बार उनको भाई उन्होंने टाइटल जीता है, तो मतलब ये पहली उनके हिस्ट्री में टाइटल है सपोर्टर्स शील्ड की। तो भाई दिस इज अ बिग बिग थिंग फॉर इंटर मियामी, अ स्मॉल क्लब जो कि अभी जस्ट बना हुआ, बट दे डू हैव बिग प्लेयर्स इन द टीम। उनके पास बुस्केट्स है, जॉर्डी अल्बा जो कि ऑब्वियसली क्लोज टू रिटायरमेंट थे, तो वो घर जा रहे हैं, रिटायरमेंट हाउस में खेल रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल इट्स अ टीम जहाँ पे लियो मेसी फाइंड्स पीस। अब बंदा फुटबॉल खेल रहा है और जो गोल उसने मारा ब्रो, इट्स अ टॉप गोल यार, एक वर्ल्ड क्लास गोल है उसका, ठीक है। इसके मतलब चेस्ट कंट्रोल, बॉल को ड्रॉप करना एंड देन वो फिनिश करना एंड देन वो आउटसाइड द बॉक्स जो उसने फिनिश डाली, तो मतलब इट्स अ ब्लेसिंग टू स्टिल सी लियो मेसी स्कोर दोज गोल्स। एंड बाय थैंकफुली बंदा हैज बीन कॉल्ड अप फॉर द नेशनल टीम, जो अपकमिंग यहाँ पे क्वालिफायर्स आ रहे हैं उसमें लियो मेसी को कॉल अप मिला है, एंड भाई बंदा खेल रहा है भाई, तो ये मजा आ रहा है भाई देख के हमें यहाँ पे लियो मेसी को खेलते हुए। एंड भाई यहाँ पे 46 टाइटल बंदा ने जीती, ही इज द प्लेयर विद द मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल इन वर्ल्ड फुटबॉल, बाबा तो गोट वाली हरकतें हो रही है यहाँ पे। और भाई मेरे को थोड़ा देर बात करना है यहाँ पे चैंपियंस लीग के फिक्स्चर के बारे में, बाबा क्या हुआ भाई, मैं तो भाई कह रहा था रिमेंबर आई टोल्ड यू बॉयज, लिल को भाई हल्के मत लेना भाई, फ्रेंच लीग को ना बंदे बहुत हल्के में लेते हैं। आई टोल्ड यू बॉयज अबाउट मोनाको एज वेल, कि बेटे मोनाको ना स्ट्रॉन्ग टीम है, बार्सिलोना के लिए पुश ओवर नहीं होगा, बंदे हंस रहे थे। मैंने लिल के बारे में बोला था, मैंने एस्टन विला के बारे में बोला था, आई टॉक टू यू गाइज अबाउट द सेम थिंग। और भाई देखो मैड्रिड को भाई लिल ने हराया, तो भाई यार होता है ऐसा, ठीक है। तो भाई ज़्यादा उसमें हम सोचेंगे नहीं, यहाँ पे मैड्रिड की एक लॉस थी, ठीक है फाइन आ जाती है, बट मैड्रिड नीड्स टू रिकवर, दे डू हैव देयर प्रॉब्लम्स, और इसके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा आज नहीं, आई जस्ट नीड टू टॉक अबाउट दिस। लिवरपूल ने बोलोगना को हरा, एस्टन विला बाइंड को हराती है, आई वॉज देयर इन द मैच भाई क्रेजी था भाई, बता नहीं सकता क्रेजी था भाई, बाद में बताऊंगा, तुम व्लॉग देखना। बट ये काफी सारे मैचेस हुए भाई, एथलेटिको मैड्रिड को पेल दिया बेनफिका ने, लेजिट पेल दिया। जुवेंटस ने कमबैक किया, मैन डाउन होकर 3-2 कमबैक किया, बहुत ही ब्रिलियंट गेम था। और भाई इंजरीज हो रही है, ब्रीमर को ACL हो गया बाय द वे, तो तुम ये देखो जो ये 3-3 मैचेस आ रहे हैं ना एवरीडे भाई, इनका तुम्हें ना इफेक्ट तुम्हें एंड ऑफ द सीजन दिखेगा। ये जो UEFA FIFA ये काफी सारे मैचेस करा रहे हैं ना कि भाई आप इवेंट्स देखते जाओ, भाई देगा ना इंपैक्ट फुटबॉल, परफॉर्मेंस डाउन होगी, इंजरीज होगी एंड ऑल। बट एनीवेज अभी के लिए दैट्स दैट बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट जरूर से करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप पहली बार आ रहे हो यहाँ पे, एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।